अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशाज़ कुज़ीन। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ हलीम की, वो भी हम शान हलीम मिक्स के साथ बनाएंगे जो पैकेट मार्केट में मिल जाता है। अच्छा, एक पैकेट के अंदर ये दो पैकेट निकलते हैं जिसमें से एक में दालें हैं और एक में मसाले वगैरह। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। दो चम्मच ऑयल ले लें और इसको गर्म होने रखें। उसमें प्याज दो मीडियम साइज़ के काट के, ज़्यादा प्याज नहीं करना, दो काफ़ी हैं। उन्हें गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है, बोल हल्का कलर रखना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने। गोल्डन ब्राउन कर लें, उसके अंदर हम साफ किया हुआ गोश्त या चिकन, जो भी आपने जिसकी भी हलीम बनाना हो वो डाल देंगे। उसके बाद अदरक लहसुन डालेंगे एक टेबलस्पून भर के, और एक कप जो है दही डाल देंगे। ठीक है, यहीं पे इसके साथ जो मसाले वाला पैकेट है ना हलीम का, वो डालेंगे। मैं दो पैकेट बना रही थी तो इसलिए मेरा चिकन भी ज़्यादा था, 2.5 kg चिकन था मेरा, तो उस हिसाब से आप ले लें। अच्छा, 2 kg चिकन में दो पैकेट अगर मैंने डाले हैं तो मैंने ये 3 लीटर पानी इसमें डाला है। अगर आप एक पैकेट का बनाएंगे तो 1.5 लीटर पानी डलेगा। इसे बस पकने के लिए रख देंगे। मेरा वो पहले पतीला छोटा था, मैंने फिर इसे बड़े में कन्वर्ट कर लिया, शिफ्ट कर लिया बड़े में। अच्छा, बस इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक वो पक रहे हैं हम यहाँ पे दूसरा पैकेट ओपन करेंगे। इसके अंदर हैं दालें, हम इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो देंगे। इसके साथ हम एक चम्मच, एक मुठ यानी एक कप आप समझ लें या हाफ कप जो है वो डालेंगे चावल, क्योंकि वो इसके अंदर एडिड नहीं थे, वो हम अपने खुद से डालेंगे। ठीक है, चलिए दो पैकेट में दो मुठ यानी कि एक कप के बराबर हमने चावल डाल के भिगो दिए दालों को। और ये देखिए यहाँ पे चिकन मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका था, उसकी यखनी निकाल आई, चिकन की बुटियाँ निकाल ली हमने। ठीक है, अब इसको हम बोनलेस करेंगे। और ये जो दाल और चावल हमने भिगोए हुए थे 45 मिनट्स के बाद इन्हें बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसमें पानी तकरीबन अंदाजे से ही डालेंगे कि आपकी अगर फिंगर अंदर डालें तो ये 1/4 जो है वो अंदर डूब जाए, इतना पानी काफ़ी है। ये दालें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी, थोड़ा सा स्लो आंच पे रखें पकने के लिए। ये जब गल जाए तो अच्छा, वो उधर गल रही है और इधर मैंने चिकन को श्रेडिड किया है। अच्छा, दो तरीके हैं, या तो ऐसे श्रेड करके आप कुंडी डंडे से इसको कूट लें या फिर ग्राइंडर में डाल दें। अगर कुंडी डंडे से कूटेंगे तो उसका लेस जो है वो ज़्यादा होती है, और अगर ग्राइंडर में ऐसे डालें तो थोड़ी सी कम बनती है लेस। तो लेकिन मुझे क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी करनी थी इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए मेरी इधर दालें भी गल चुकी हैं। चने की दाल को चेक कर लें क्योंकि वो ज़रा देर से गलती है, उससे आइडिया हो जाएगा कि अब हमारा ये तैयार है। इसके अंदर अब श्रेडेड किया हुआ चिकन डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो गोश्त हमने निकाला था ना चिकन, उसका जितना भी ये शोरबा यखनी बनी बची है, ये हम इस दाल के अंदर डाल देंगे। और ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे पानी खुश्क करने तक, अच्छे तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे, मीडियम से स्लो आंच रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। और इसमें टाइम भी काफ़ी लगा है क्योंकि ये बड़े लेवल का था थोड़ा सा, तो 2 घंटे तो मुझे लग गए थे। अच्छा, इसको पकाते वक्त आपने ये घोटना है, इसकी मदद से जब आप करेंगे तो दालें बिल्कुल पिस जाएंगी और जगजान हो जाएंगी। इस तरह से बार बार आपने इसको हिलाना है, 5 मिनट बाद हिलाएं, 10 मिनट बाद फिर आके फिर हिला लें, 10 से ज़्यादा मिनट ना दें क्योंकि इसके अंदर दलिया है तो दलिया नीचे लगने का डर होता है। इस तरीके से अच्छा भी देखें जगजान होगी, ये पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और इसको बार बार हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखें लेस बन गई है और बिल्कुल एक जैसा हो गया है। बस ये हमारा हो गया। अब इतनी थिक कंसिस्टेंसी रखनी है तो वो काफ़ी है, अगर पतला करना है तो आप पानी डाल लें। पानी ऐड करें तो गर्म करके डालें, बाद में ऊपर ब्राउन किए हुए प्याज डालें, अदरक लहसुन लीमू और धनिया के साथ सर्व करें। और ये मेरे क्योंकि बेटे की बर्थडे थी तो उसके लिए मैंने बनाया था, तो आप भी बनाएं, बहुत अच्छा बना था। और मुझे ज़रूर बताएँ कि कैसे लगा। अल्लाह हाफिज़।